मौसम बदलने के साथ ही बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। सर्द मौसम में कोल्ड डायरिया तेजी से लोगों में फैल रहा है। अस्पतालों में इसके मरीज बढ़ रहे हैं। बुधवार को जिला अस्पताल में कोल्ड डायरिया के 10 मरीज पहुंचे। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। चिकित्सकों ने बदलते मौसम में बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि जल्द इलाज ना शुरू किया गया तो बच्चे निमोनिया से ग्रसित हो सकते हैं। बुधवार को दशवतपुर गांव निवासी एलिना 3 वर्ष, प्रांजल 8 माह, निशांत 3 महीने और दानूपुर गांव निवासी एक नवजात शिशु कोल्ड डायरिया की चपेट में आकर अस्पताल में भर्ती कराए गए। महाराज चेत सिंह जिला अस्पताल के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर आरपी गुप्ता ने बताया कि अक्टूबर से दिसंबर तक कोल्ड डायरिया का ज्यादा प्रकोप रहता है। ये रोटा वायरस के इन्फेक्शन से होता है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ये ज्यादा होता है। प्रतिदिन 15 से 20 बच्चे इलाज के लिए आते हैं। अपना परिचय देते हुए, मैं डॉक्टर आरपी गुप्ता, वरिष्ठ परामर्शदाता, महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय वाराणसी। मैं आजकल जो हमारे ओपीडी में बच्चे आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर 1 साल के बच्चों को कोल्ड डायरिया हो रहा है। डायरिया किसी किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, जिसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन भी हो जा रहा है। डायरिया के साथ साथ में माइल्ड फीवर भी हो रहा है। उल्टी वाले भी बच्चे कुछ आ रहे हैं। तो हमको इसमें बचाव ये करना है कि बच्चे को अच्छे से ढक के रखें, उनको टोपी है, पैर में जूते हैं पहना के रखें। और हमारे यहाँ रोटा वायरस के भी टीके लगते हैं। रोटा वायरस भी इस सीज़न में होता है, इसमें डायरिया बहुत ज़्यादा होता है और 2 से 3 दिन समय उसमें लग जाता है। और किसी किसी बच्चे में डिहाइड्रेशन की वजह से हालत बहुत ख़राब हो जाती है, जिनको ड्रिप लगाने की ज़रूरत पड़ती है। सर, इसके उपाय क्या है? इसके उपाय है कि बच्चों को ठंड से बचा के रखें। बहुत सुबह बच्चों को घर से बाहर निकलने ना दें। जब बाहर बच्चे निकल रहे हैं तो अच्छे से उनको ढक के रखें। पानी उनको उबाल के दें हमेशा। न्यूट्रिशियस डाइट उनको दें, विटामिन वगैरह उनको दें, विटामिन D3 दें उनको। ये ज़्यादातर जो है जो कोल्ड डायरिया वाले आते हैं, 10 से 15 बच्चे हमारे OPD में पर डे आ जाते हैं, जिनमें थोड़ा सा कम हो रहा है, किसी किसी में ज़्यादा हो रहा है। तो 1-2 बच्चों में ड्रिप की ज़रूरत पड़ती है, बाकी OPD लेवल पे ही सिर्फ मेडिसिन देके ही ठीक हो जाते हैं।